वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ये है जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पार्ट 3 और हम जिस बुक के बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो है घटना चक्र बुक। और इस बुक में केवल वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके प्रीवियस SSC एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एग्जाम आपका SSC MTS का हो, 10+2 का हो, CGL का हो, CPO का हो, या फिर स्टेनोग्राफर का हो, या फिर अन्य जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में जो भी GS के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज इस बुक में मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूं। जो हमारा सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, जो नाम है, वो है उत्सर्जन तंत्र। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो हमारे नहीं देखे हैं जिसमें हमने कवर करा था विटामिन्स के बारे में और उससे जुड़े रोग के बारे में आपको बताया था, और मनुष्य पाचन तंत्र था हमारा पार्ट 1, और इससे संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप एक बार घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार देखना प्लीज़, उसको फिर आप डिसाइड करना कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल है या फिर नहीं है। यूजफुल हो तो सब्सक्राइब करना, ना हो तो प्लीज़ मत करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे सामने, वो हमसे ये कह रहा है कि गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। तो जो निस्यंदन इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। तो आपको ये डायरेक्ट याद करना है कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, ये होती है नेफ्रॉन। और आप इसको नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक उठाइए, थोड़ा कष्ट करिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि यार नोट्स नहीं बनाने पड़े और डायरेक्ट कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि एग्जाम में बस सिलेक्शन हो जाए, मेरा पोस्ट मिल जाए अच्छे से, देखिए थोड़ा तो कष्ट करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कि वक्र, इसको बोलते हैं वक्र, तो का प्रक्रियात्मक यूनिट है क्या? तो ये है आपकी नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। आगे बात करते हैं गुर्दे के बारे में। गुर्दा बोलते हैं किडनी को, किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? देखिए एग्जाम में आपसे यूनिट काफ़ी पूछता है बायोलॉजी में, और आपके GS में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बायोलॉजी में से, और बच्चे बायोलॉजी स्किप कर जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में अगर वो कोई भी बुक GS की उठाते हैं तो उसमें मैक्सिमम उसको हिस्ट्री मिलती है, तो वो स्टार्टिंग में जोश करो उसमें हिस्ट्री तो अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन वो बायोलॉजी जैसे सेक्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी एंड में बुक में होता है तो ज़्यादा ध्यान बच्चे देते नहीं हैं, क्योंकि एक बुक को पढ़ के बच्चे बोर हो जाते हैं, नई बुक परचेज़ कर लेते हैं, फिर तीसरी बुक परचेज़ कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा देखिए किताब को चेंज करने से ज़्यादा अच्छा है कि अपनी जो आदतें हैं उसको चेंज करो, कमी आपके अंदर है उसको ठीक करो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बात कर रहा है कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, उसका नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, गुर्दा बोले, वक्र बोले, या बोले आपसे क्या गुर्दे का निस्यंदन इकाई, सबका आंसर क्या होगा? सबका आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसने इन तीनों क्वेश्चंस में लैंग्वेज को चेंज कर दिया, और यही आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चंस कुछ घुमा फिरा के उसने हमसे पूछ लिया तो हमको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हमको पता होना चाहिए कि गुर्दा, किडनी और आपने जैसे देखा वक्र, सबका मतलब एक ही है, तो सबकी यूनिट भी क्या होगी? एक ही होगी। तो इस तरह से स्टडी करेंगे तो मज़ा भी आएगा, और अपने चारों खाने मतलब करके चारों दिशाओं में अपने खाने खोल के रखो कंटिन्यू, कहीं से कुछ भी लैंग्वेज पूछ सकता है आपसे और आपको फिर उसका रिप्लाई करना है बड़े ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्न में से मानव शरीर का वह अंग कौन सा है, उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा पार्ट है, कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। जल का संतुलन आखिरकार कौन करता है? वो करता है गुर्दे। ठीक है, गुर्दे पूरे शरीर में जल का जो प्रवाह होता है उसका संतुलन करता है कि कौन से पार्ट को कितना जल मिलना चाहिए और कौन से पार्ट को कितना जल नहीं मिलना चाहिए, और जल किस डायरेक्शन से कितने स्पीड से आउट होना चाहिए। तो ये सब जो जल का जो भी बॉडी में फ्लो होता है वो किसका फंक्शन होता है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो समझ लो कि हमारे बॉडी में जल का जो संतुलन है वो खराब हो जाएगा, किसी पार्ट को जल ज़्यादा मिल जाएगा और किसी को कम मिलेगा। तो इस तरह का जो कंट्रोल यूनिट है वाटर की, जो हम वाटर पीते हैं तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसका रिमोट कंट्रोल कौन है? उसका रिमोट कंट्रोल है गुर्दे। क्वेश्चन नंबर 5,
मूत्र बनता है। जो हमारा मूत्र होता है वो बनता है किस में, कौन सी वाहिनी में बनता है? तो हमको लगता है कि मूत्र वाहिनी में। अब थोड़ी सी मैं इसके डिटेल आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। कौन सी वाहिनी में बनता है मूत्र? ये बनता है संग्राहक वाहिनियों में। अब देखिए, एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि मूत्र बनता है मूत्राशय में, आप ये डी आंसर आके अपना आ जाएंगे, ठीक है। बट इसका राइट आंसर जो है वो है ए, और बच्चे ऐसी गलती करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे साथ में, कि अगर टाइम कम हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाना शुरू कर दो। लगाना इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं केवल उन पे वर्क करो अपना, उन पे अपना टाइम दो और उनको याद करो। प्रीवियस ईयर की घटना चक्र की आपकी इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आती है, जीएस भी आती है, रीजनिंग भी आती है। उसमें केवल वही क्वेश्चन दिए होंगे जो एसएससी में पूछे गए होंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 2008 में एमटीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, और ये अपने माइंड से निकाल देना। सबसे पहली बात तो ये कि 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, अब चल रहा है 2017, तो अब यार कैसे पूछेगा, काफी टाइम पुराना हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो सीधे कॉपी पेस्ट करता है, उसके पास ये ईयर लिखा हुआ नहीं होता। एसएससी डिपार्टमेंट के पास में जो क्वेश्चन जो डिजाइन होते हैं सारे टू जेड प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो उसमें क्वेश्चन कभी भी नहीं होता, वो रैंडमली क्वेश्चंस कुछ भी उठा सकते हैं। तो आप ये अपने अंदर से जो बड़ा वहम है कि यार इतने ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन, इतना बासी क्वेश्चंस, बासी क्वेश्चंस वो आपके हिसाब से होगा, वो उसके हिसाब से कुछ बासी नहीं है, वो बासी को नया बना सकता है, ठीक है। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, लो कर लो, मूत्र बनता है, मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है ये पूछ लिया उसने, लैंग्वेज चेंज कर दी। आप तो 2008 को देख करके आपने क्वेश्चन ना पढ़ा ना समझा और बढ़ दिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसी गलती ना करें। जो करते हैं उन्हें करने दो, आप अपना देखो कि आप क्या करते हो और किस डायरेक्शन पे आप चलना पसंद करते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 की, मूत्र का जो पीला रंग होता है तो वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, उसका रीजन क्या होता है? उसमें एक्चुअली होता है यूरोक्रोम। क्या होता है? यूरोक्रोम। तो आप याद रखिएगा, यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का जो रंग होता है वो होता है पीला। काफी अच्छा क्वेश्चन सही है, और ये कई बार पूछा भी गया है। आप ये मत सोचिए कि 2011 में केवल एक बार ही पूछा गया है, ये एक्चुअली अदर एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे की तैयारी करते हैं कुछ बच्चे, एसएससी के अलावा जो बच्चे डीएसएसबी का फॉर्म भरते हैं या स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, ये सभी क्वेश्चन आपको घोट डालने हैं, याद कर लेने हैं, अच्छी तरह से अपने जहन में दर्ज कर लेने हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि कौन उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, उसका नाम क्या? उसका नाम है गोरैया। क्या है उसका नाम? उसका नाम है गोरैया। अब देखिए, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में कि सभी सरीसृप वर्ग जैसे कि छिपकलियां एवं पक्षी वर्ग, गोरैया का मुख्य उत्सर्जक उत्पादक यूरिक एसिड होता है, जबकि स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या होता है? यूरिया। स्तनधारियों का क्या होता है? वो होता है यूरिया। और पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है, ठीक है। आपको याद रखना है यूरिक अम्ल किस में होता है ये, और आपको याद रखना है सबसे पहली बात ये आपका स्तनधारियों के बारे में यूरिया होता है। तो ये दोनों ही जो मैंने हाईलाइट करे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी जब बॉडी में होता है तो क्या होता है, तब होता है एक्चुअली निर्जलीकरण के कारण आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं NaCl की हानि होती है, इसकी पूर्ति होती है ORS घोल के द्वारा। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा पेट खराब हो गया, तो पेट खराब में क्या होता है, लूज मोशन बहुत फास्ट लग जाते हैं, बॉडी में से कंटिन्यू पानी निकलते रहता है, तो उसके बाद में क्या होता है, हम ORS का घोल पीते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में जो है निर्जलीकरण की मात्रा ना हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि क्या होती है? बार बार पेशाब आता है किसी इंसान को, ऐसी ऐसी भी दवाई चलती है, तो उसका नाम क्या होता है? तो उसकी औषधि का नाम होता है फिलहाल डाई यूरेटिक। क्या नाम होता है? डाई यूरेटिक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? ये होता है आपका एल ब्यूमिन। एल ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 11 के, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है फिलहाल कीटोन निकाय। फिलहाल मतलब कि हमेशा के लिए, ये एक स्ट्रेटेजी है, तो ये हमेशा आपका आंसर रहेगा कीटोन निकाय। देखिए, बायोलॉजी की कुछ टर्म होती है हमें कुछ समझ में नहीं आती, यार कैसे याद हो, तो उनको ये चीज याद नहीं होगी कीटोन निकाय क्या होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हो
होते हिंदी मीडियम के हैं, बट कुछ लैंग्वेज में कुछ उनको दिक्कत होती है। तो आपको मैक्सिमम जब भी आप नोट्स बनाएंगे इस टाइप के वर्डों को लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो कम से कम थोड़ा सा वॉइस अपना वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करके तब उसको बोल के लिखोगे, तो आपको किटो निकाय याद हो जाएगा। और ये पूछा गया है सीजीएल में, और ये पूछा गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा में 2012 में। आगे बात करते हैं हम भ्रूण के बारे में। भ्रूण की अप्रापोषिका किस में सहायक होती है? तो ये होती है आपकी उत्सर्जन में। किस में होती है? उत्सर्जन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपक्षय मतलब कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वृक्क। क्वेश्चन नंबर 14, हेमी कॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उसका राइट आंसर है कोशिका गुच्छ। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है कोशिका गुच्छ। देखिए, संघ हेमी कॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव समुद्री होते हैं, और इनमें उत्सर्जन कोशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, जो कि रुधिर वाहिनी मतलब के ब्लड वेसल्स से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय सीरा युक्त होता है? किसका हृदय सीरा युक्त होता है? तो उसका राइट आंसर होगा मत्स्य। मछली में दो कक्षों का हृदय होता है, मतलब दो वाल्व होते हैं हृदयों में, दो ब्लॉक होते हैं जो रक्त को गिल में पंप करता है और वहां से रक्त से शरीर में जाता है। मछली का हृदय सीरा युक्त होता है क्योंकि उसमें केवल ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। तो आपको इतने डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना मत्स्य मतलब मछली कैटेगरी में क्या होता है, हृदय जो होता है उनका वो सीरा युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि सामान्य शंभु का वसा एक लिसा लिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। अब आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग परीक्षा प्रश्न के बारे में। अब ये फिलहाल होगा तथ्यात्मक प्रस्तुति। तथ्यात्मक प्रस्तुति मतलब कि वन लाइनर जीके होगी और काफी इम्पोर्टेंट जीके होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट भी होगी। तो इसको आप अभी याद करें, इसको लिखिए ना, इसको याद करिएगा, वीडियो को पॉज करिए और याद करिए। देखिए, कह रहा है कि मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है जिसे इटाई इटाई रोग कहते हैं। इटाई इटाई रोग किसके पोल्यूशन के कारण होता है, किसके प्रदूषण के कारण होता है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है कैडमियम। या फिर इटाई इटाई रोग किसके लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, ये होता है कैडमियम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये SSC सीजीएल में 99 में पूछा भी गया है और कई बार एग्जाम में अदर एग्जाम में पूछता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं SSC के अलावा, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चंस काफी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चंस का ये पूरी बुक आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा उसका, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए घटना चक्र की और इंजॉय करिए इस वीडियो को। आगे बात करते हैं, संवेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए कौन आवश्यक होता है? तो उसके लिए होता है संवेदन। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन, अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। आगे बात करते हैं कि गुर्दे प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं कर सकते। किसका नहीं कर सकते? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं, वक्र के काम न करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। क्या जमा होने लगते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। देखिए, इसके बाद हमने बात करी अब तक उत्सर्जन तंत्र की। अब हमारा ये टॉपिक तो खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं कंकाल तंत्र की। बहुत प्यारा चैप्टर है ये भी, और इसके बारे में मैं इसका मेरा विचार था कि एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊं, लेकिन टाइम अभी है तो कोई दिक्कत नहीं, बुक भी हमको खत्म करनी है अपनी टाइम पे। तो आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो डाटा की तो आप इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, नो इशू। टारगेट ये है कि आपका नंबर आना चाहिए, अगर क्लोज करके नंबर आपका आता है तो ऑल द बेस्ट, सुन के आता है तो फिर भी आपको ऑल द बेस्ट। अभी देखिए बात करते हैं कंकाल तंत्र की, काफी बेसिक क्वेश्चन है। देखिए इसमें कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें हड्डियां होती हैं टोटल 206। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है,
सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। कहाँ पे होती है? ये होती है जांघ में पाई जाती है। और बात करें सबसे छोटी हड्डी की, तो सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स। ठीक है, छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स कान की होती है। तो दोनों ही आप याद रखिएगा, दोनों ही आप नोट करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर के। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अगेन 206 है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में और क्वेश्चन नंबर वन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, कोई बात नहीं, करने दो, हम कौन सा काम है, हम भी याद कर लेंगे इसको। 206, लो जी याद कर लिया 206 हमने। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? वो होती हैं 206। तो आपने 206 भी याद कर लिया, आपको अच्छे से याद हो गया होगा, इसको नोट मत करना। एक वयस्क मनुष्य में कितनी देखिए अस्थियां होती हैं? अगेन 206। बोर हो गए 206 सुन के, लेकिन आपको याद हो गया। मात्र मात्र 10 सेकंड में आपको लगे पूरा आपको याद हो गया, शायद याद पहले हो भी आपको, ऐसी बात नहीं है कुछ नया याद हुआ है, याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? देखिए हमको पता था सबसे लंबी अस्थि जो थी अभी हमने पढ़ा था, लेकिन उसको बोलते हैं उरु अस्थि। ठीक है, उरु अस्थि आप अगर आपको देगा एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर वन में देखिए उरु अस्थि होती है फीमर। अब फीमर तो सबको याद होता है, लेकिन शुद्ध हिंदी में उसने जरूरत से ज्यादा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल कर दिया, उसको बोल दिया आपको उरु अस्थि, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको उरु अस्थि भी याद रखना है, और आपको याद रखना है स्टेप्स जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। राइट, बड़े आगे चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर को फिलहाल हम लोग हल्का सा हाइलाइट्स कर देते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो ये करा जाता है अंतरिम आयु के लिए। किसकी आयु के लिए? अंतरिम आयु के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? बात करते हैं हड्डी की, हड्डी होती है 206, लेकिन बात करें मांसपेशियों की, तो मांसपेशी आपसे एग्जाम में सीजल में पूछ सकता है, तो ये इसका आंसर लोगों को नहीं पता होता, तो इसलिए मुझको लगता है कि शायद आपको भी नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो बायोलॉजी आपकी बहुत अच्छी है और आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है। कितना होता है? 656। कितना होता है? 656। तो इसको आप लिख लीजिएगा। मांसपेशियों की बात करी जाए तो 656, अगर बात करी जाए हड्डियों की तो वो होता है 206। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर की। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है कंकाल की? तो वो होती है 700। तो कंकाल की भी याद रखना और उसकी भी याद रखना, दोनों मांसपेशी है। ठीक है, मांसपेशी की सिंपल बात करें तो 656 आपको ऑप्शन होगा। अगर आपके पास 656 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन केवल 700 है, तो 656 मतलब 700 के नियर बाय आपको अपना आंसर देना पड़ेगा उस टाइम में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो 656 किसके नियर बाय है? तो 700 के है, तो 700 अपना आंसर आप लगा के आ जाएंगे एग्जाम में। बात करते हैं कि दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? जो दांत के जो बाहर की लेयर होती है काफी कठोर होती है, उसको बोलते हैं इनेमल लेयर। तो दांतों की ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए इसमें राइट आंसर क्वेश्चन, दांतों के इनेमल परत विशेष प्रकार के कठोर पदार्थ की बनी होती है जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है। ठीक है, ये परत का नाम क्या है? इसका परत का नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यह एक लवण, एक साल टाइप का होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट और क्या हाइड्रोक्सिकल से मिलकर बनता है। देखिए कैल्शियम इसमें ये भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, और इसमें दे रखा है आपको कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट डी भी दे रखा है। ठीक है, अब ऐसे केस में हम क्या करें? ऐसे केस में अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा भी आइडिया है, छोटा सा भी आइडिया है, थोड़ा सा भी आइडिया, इस केस में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर उसने गलती से क्वेश्चंस प्रेजेंट कर दिया और उसको पता है कि उसने ऑप्शन दोनों में बच्चों को डाउटफुल ज्यादा कर दिया है, तो ये क्वेश्चंस पूरा कैंसिल हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये और नंबर केवल उनको मिलेंगे जो इस क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करके आएंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन चूज नहीं करा है, कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करा है, तो आपको उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको आइडिया हो तो क्वेश्चन अटेंड करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? उसका नाम है दूसरा कृतंक। जो कहते हैं दांत बाहर निकल गया हाथी से, दांत हो गया, तो जो होता है दांत वो होता है सेकंड दांत हमारा, हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। हाथी के ऊपरी जबड़े के दो कृतंग जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े और लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाथी के दांत का विशाल रूप से बड़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? तो उसका जो हिस्सा होता है वो होता है ऊपरी दंत। क्वेश्चन नंबर 11 है कि औसत मानव मस्तिष्क का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? तो ये होता है मात्र 1.36 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं
तो इसका राइट आंसर है एक्टिन और मायोसिन। क्या आंसर है इसका? एक्टिन और मायोसिन। इसके डिटेल में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा, अब टाइम कम है तो फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से किस कैसे रुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है उभयचर। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा पसलियां किस में होती है। तो वो होती है सांप में, सबसे ज्यादा पसलियां किस में होती है, सांप में। देखिए बात करते हैं हम पसलियों की, ठीक है। मानव में 12 जोड़ी अर्थात कितनी होती है, 24 पसलियां होती हैं। 12 12 की 12 जोड़ी के हिसाब से, मतलब एक जोड़ी में कितने होते हैं, दो होते हैं, तो 12 दूनी 24 पसलियां होती है मानव में। बात करें सांप की, तो सांप में क्या होती है, 200 होती है जोड़ी और 400 उसमें हड्डियां होती हैं प्रत्येक एक जोड़ी पसलियों के साथ में, ठीक है। तो सांप के बारे में 400, और वैसे इंसान की बात करें जाए तो 24 पसलियां होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ओरिएंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है दंत से, या फिर आपसे पूछेगा कि ओरिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन करा जाता है, तो इसमें करा जाता है दांतों का, दांतों की रचना कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है, उसकी बीमारी क्या होती है, बीमारी के लिए उसका क्या निदान होता है। तो ये सब अध्ययन कहाँ पे होता है, ये सब अध्ययन होता है ओरिएंटोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अक्कल दाढ़ क्या होती है, कौन से नंबर की दांत होती है। तो ये होती है तीसरी दाढ़, तो तीसरी जो दाढ़ होती है उसको हम बोलते हैं अक्कल की दाढ़ दाढ़। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अस्थि में। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अस्थि में। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि जानु फलक का दूसरा नाम क्या है। तो इसका फलक का नाम है आपका जानविक, मतलब पटेला। क्वेश्चन नंबर 19 है सिग्मा रूपी ब्रह्मदांत्र किसका भाग है। तो यह है बड़ी आंत का, किसका है ये है आपका बड़ी आंत का। क्वेश्चन नंबर 20 कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है। तो ये होता है कपाल में, तो कपाल बोलते हैं एक्चुअली सर को, ठीक है। कपाल जो होता है वो होता है हेड, तो ये होता है कपाल मतलब सर। क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले तो अब हम बात करते हैं फिलहाल वन लाइनर जीके की। वन लाइनर जीके में केवल वो जीके होगी जो काफी काफी इंपॉर्टेंट होगी, आप इसको पढ़ना ही पढ़ना है। जो पिछला आपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्मेट देखा है वो भी आपको रीड करना है इस बुक में से। आप ये मतलब इसको पढ़ लेंगे बस पूरा वीडियो वसूल हो गया, देख लिया, मजा आ गया, ऐसा नहीं है। वो भी फोकस करना है, इस पर भी फोकस करना है आपने। देखिए इसमें हम बात करते हैं कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो वो होता है इनेमल, मतलब कि दंत वल्क। आगे बात करते हैं कि कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेली तथा तलवों की त्वचा मोटी होने का रीजन क्या होता है। जो लोग काफी मेहनत का काम करते हैं, जैसे पत्थर तोड़ते हैं या फिर अपनी फील्ड का कोई काम करते हैं, तो उनकी जो तलवे की जो स्किन होती है या हाथों की हथेली होती है काफी कठोर हो जाती है। तो जो मोटी स्किन होती है वो क्यों होती है, उसका रीजन क्या होता है। उसका रीजन होता है मोटे अपत्वक उत्तक का निर्माण होने लगता है जब इंसान ज्यादा फिजिकल वर्क करता है। अगला जो है देखिए पॉइंट, वो है आपका जीवा मतलब जीभ, नाक, चिम्बुक तथा नख में से नाक में उपास्थि होती है। किसमें उपास्थि होती है, ये होती है केवल नाक में। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उपास्थि कहाँ पे होती है, आपको चार ऑप्शन देगा जीभ, नाक, चुंबक तथा नख, तो आपको याद रखना है नाक में। आगे बात करते हैं मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थि के अतिरिक्त वायु भी होती है, और स्कंद संधि एक जोड़ मतलब कोर संधि होती है। स्कंद संधि किस प्रकार की संधि होती है, तो ये होती है जोड़ संधि, या उसको ऑप्शन में देगा आपको कोर संधि। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। आगे बात करते हैं कान में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। कान में टोटल होती हैं 6 हड्डियां, और सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती है। प्लेन जो हड्डी होती है वो किस में होती है, अस्थियां कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी खोपड़ी में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, सबसे स्ट्रांग जो अस्थि होती है वो कौन सी होती है, ये होती है जबड़ा। आप याद रखिएगा ये होती है जबड़ा। देखिए वीडियो में बस केवल आज इतना ही, और वीडियो क्लोज करने से पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, सबसे बड़ी जो हमारी अस्थि होती है, जो हड्डी होती है सॉरी, वो कौन सी होती है, बड़ी और छोटी दोनों का नाम मुझे आप लिख के भेजिए। और चीटिंग मत करना, पीछे वीडियो प्लीज अगेन रिपीट मत करना, अगर देखना हो तो उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में अभी आंसर भेजिए कि बड़ी हड्डी का नाम क्या है और छोटी हड्डी का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में, राइट। और मैं वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ, और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और जो भी फ्रेंड आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को प्लीज़ इस चैनल तक ही सीमित ना रहने दें, अपने फ्रेंड तक इसको पहुँचाइए और उनकी हेल्प करें। हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वीडियो बनाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा क्लिक करना है, अपना फ्रेंड का नाम सेलेक्ट करना है और उसे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे, या जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन करिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने से पहले आप एक काम करिए, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, घटना चक्र प्ले लिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पे देखिए। और काफ़ी सारे लूसेंट जो बुक है उसकी भी आपको जीएस की ऑडियो वीडियो दोनों इसमें अवेलेबल है, बहुत कुछ है, आप एक बार चेक करिए उसके बाद डिसाइड करिए। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक आप जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले, अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है, जैसे कि डेली के हम लोग 2-3 वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे कहना चाहूँगा दोबारा इस वीडियो को वॉच करिए। नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है, नोट्स बना सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।